अरे इधर है, कब से मैं ढूंढ रही हूँ। माता रे आइटम, मेरे को फटाफट वो कल वाली नवीन स्पीच दे, मेरे को रट्टा मारने का है। मैंने नहीं याद किया ना तो फिर मैं तुम्हारी हसीन दुल्हन का कचरा कर देगी। क्या करोगे तुम स्पीच लेकर, किसके सामने बोलोगी? खाली कुर्सियों के सामने? तुमको लगता है कमीने की ऐसी धमकी के बाद कोई भी लड़की कहलाएगी? पुष्पा जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम कैसे हार मान सकते हैं? नहीं, किसी ने धमकी दी और हम उनके धमकी में आ गए? नहीं पुष्पा जी, हम पुलिस है, हम उन औरतों को दिलासा दिलाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वो यहाँ आएंगी तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। संतु जी, हम ना आपके भावनाओं को समझते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ लेना भी तो समझदारी नहीं है ना। आपको याद नहीं है वो लकड़बग्गा का बोला है ना कि जो भी लड़की, जो भी औरत हम लोग के कार्यक्रम में आएगी, वो उन लोग का फोटो सोशल मीडिया से उठाकर अपने एप्लीकेशन बोलती बंद पर अपलोड कर देगा। वहाँ पर क्या होता है संतु जी, तो हम सब लोग को पता है। वहाँ पर उन लोग पर भद्दा मजाक किया जाएगा, वहाँ पर उन लोग पर बोली लगाया जाएगा, यही सब तो होगा। ऐसे में कौन औरत अपना इज्जत का खतरा मोल लेना चाहेगी? कौन औरत हम लोग के कार्यक्रम में ऐसे शरीक होना चाहेगी, आना चाहेगी? 4,000 रुपए एडवांस दिए कुर्सी वालों को। ना यार, तुम तो अलग लेवल पे बतिया देते हो। तुम दिए हो, तुम्हारा गया है? नहीं, माँ का गया है ना। कल कार्यक्रम होगा। मुंबई में ऐसा ही होता है, जब भी वो गणपति उत्सव के टाइम पे वो पंडाल बिंडाल लगाते हैं रंगारंगी कार्यक्रम के लिए, तभी शुरुआत में कोई आता ही नहीं है। पर जैसे ही सबको पता चलता है कि उर्मिला महादेव महात्रे आने वाली है, पंडाल फाड़ कर दी, खचा खच भर जाती है पब्लिक। इतने से पंडाल में इतनी सारी भीड़, एकदम खचा खच घुस जाती है अंदर ही। काय के लिए? खाली उर्मी महात्रे को देखने के लिए। सफेदी की चमकार, पब्लिक को कैसे बुलाने का ना मेरे को एक नंबर तरीके से आता है। टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। ए डकलिया, सुन, वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार कर, मैं अभी आई। माँ, मेरा वीक कब तक आएगा? हाँ आएगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन औरतों को हम कल के कार्यक्रम के लिए कैसे बुलाएं? क्या चल रहा है? तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? हाँ, तुमको क्या लगता है कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय दिवस पर लोग यहाँ आएंगे तुम्हारा ये बेहुदा रंगीला ये घटिया नाच देखने? मान बढ़ेगा हमारे थाने का ये सब दिखाकर? हाँ, अब कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितना मुश्किल घड़ी से निकल रहे हैं अभी? कितनी घटिया बात होगी हमारे थाने के लिए कि एक रात चलते किसी धमकी के वजह से डर के हम सब बेबस खड़े हैं यहाँ पे और हमारे सामने कोई नहीं आया है हमारे राष्ट्रीय दिवस पर। यही फर्क है मैडम सर और तुम में उर्मिला। मैडम सर यहाँ होती ना, आज नहीं आने देती हमारे थाने पर। आज तुम ये बात समझ पाती उर्मिला कि मैडम सर के लिए हमारा थाना गौरव था, जिसे वो किसी हाल में झुकने नहीं देती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर महिला थाने वालों ने शहर की महिलाओं के लिए यहाँ महिला थाने में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। था इसलिए क्योंकि हमें लगता था ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और इसकी गवाह है यहाँ छाया ये खाली सन्नाटा, ये खाली कुर्सियाँ। और इन खाली कुर्सियों की वजह है वो धमकी जो बोलती बंद ऐप की तरफ से शहर की महिलाओं को दी गई है। बोलती बंद ऐप ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हाँ, इस महिला थाने की बोलती जरूर बंद कर दी है। मुझे चैलेंज देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हसीना मलिक। अब देखो मैं क्या करता हूँ। करिश्मा मैडम कहाँ है? वो नहीं आएंगे, अपने थाने के साथ ऐसा होते हुए वो कभी नहीं देख सकती। बोलती बंद ऐप वाले की धमकी के बाद हमको नहीं लगता महिला थाना के फंक्शन में कोई आएगा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महिला थाने के असफल कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी? ये कार्यक्रम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और आप अभी से इसे असफल कार्यक्रम कह रही है। शुरू तो तब होगा ना पुष्पा जी, जब आपके कार्यक्रम में कोई आएगा। थोड़ा धैर्य रखिए ना, मतलब थोड़ा इत्मीनान रखिए ना, अभी आएंगे ना लोग, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। कोई नहीं आएगा,
और ये बात आप भी जानते हैं। आप लोग मान क्यों नहीं लेते, ये ना सिर्फ केवल आपके महिला थाने की हार है बल्कि आपकी मैडम हसीना मलिक के उन जज्बातों वाले सिद्धांतों की भी बहुत बड़ी हार है। आप लोगों को हमेशा बहुत जल्दी रहती है ना, फैसला अभी तक हुआ भी नहीं, उससे पहले आप लोगों ने फैसला ले लिया। कार्यक्रम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है और जब तक कैंसिल नहीं हो जाता तब तक असफल भी नहीं है। देखिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आएंगे लोग आएंगे। कब तक इंतजार करना होगा? हाँ, फ्लैग होस्टिंग का टाइम हो चुका है और कहाँ है आपकी SHO हसीना मलिक? अरे तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? अरे मातारी, अभी ब्यूटीफुल को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा कि नहीं, उसकी तैयारी कर रही है। मेकअप? यहाँ हम सब इतने परेशान हैं और तुम्हें मेकअप की पड़ी है? मक्का है। अरे इतने सारे लोग बाहर अपने को देखने वाले, थोड़ा प्रेजेंटेबल होने का कि नहीं? कोई नहीं देखने वाला तुम्हें बाहर, क्योंकि कोई आया ही नहीं है। काय? देख लो अपनी आंखों से। ठीक है टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। अभी क्या है ना, ज्यादा टेंशन लेगी ना आइटम तो तेरे मुंह पे वो आ जाएंगे ते कावड़िया छिपाए, झुर्रियां आ जाएंगी, इसलिए टेंशन मत ले और चल। अरे मेकअप ना 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 ना, बाहर मेकअप तुम। हाँ तो आ गए हम, कहिए। और हसीना मैडम, आपके कार्यक्रम में अभी तक तो कोई आया नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जितनी भी औरतें डायरेक्ट प्रसारण देख रही हैं, हम उन सब से कुछ कहना चाहते हैं, और अगर करिश्मा सिंह भी इसे देख रही हैं तो और भी अच्छा। डर गली के कुत्ते की तरह होता है, जो दूर खड़े होकर भौंकता है, डराता है, गुर्राता है। अगर उससे डर कर पीछे कदम हटा लो तो वो आप पर झपट्टा मारेगा, आपको और ज्यादा डराएगा, आपको काट लेगा। लेकिन अगर आप पत्थर उठा के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए तो वो डर कर दुम दबा के भाग जाएगा। अब आप लोगों को ये तय करना है कि आप इस गली के कुत्ते से डरना चाहते हैं या फिर पत्थर उठा के उसका सामना करना चाहते हैं, इस कुत्ते को काटने का मौका देना चाहते हैं या फिर उसे ये बताना चाहते हैं कि हम आज की औरत हैं और किसी भी कुत्ते से कभी नहीं डरेंगे। जरूरत पड़ने पर हमारे देश के शूरवीरों ने अपनी जान देकर इस तिरंगे की रक्षा की है और इस बात का गवाह इतिहास है। जरूरत पड़ने पर हमारे इस तिरंगे ने भी अपने देशवासियों की सुरक्षा की है, जैसे कि आज करेगा। क्योंकि जब हम सब तिरंगे का रंग अपने चेहरे पर लगाएंगे तो कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा और ना ही हमारी फोटो उस ऐप पर अपलोड कर पाएगा। आज तिरंगा ही होगा हमारा मुहाफिज। पहचान है, देखते हैं कि कौन हमसे हमारी पहचान छीनता है। आइए आइए हम साथ मिलकर इस तिरंगे को लहराएं, साथ मिलकर इसे सलामी दें, साथ मिलकर बता दें कि कोई हमारी बोलती बंद नहीं कर सकता। आइए
माँ ये तिरंगा आप कहाँ जा रही हो? अरे वहीं जहाँ जाना चाहिए, महिला पुलिस थाना। पर माँ वाह। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है मैं आती हूँ। माँ नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ को ये नहीं पता कि बोलती बंद ऐप के पीछे मैं ही हूँ। अगर उन्होंने मुझे महिला थाने पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। क्या बात है सिन्हा मलिक? जय हिंद सर। जय हिंद। अभी तक कोई आया नहीं सर, बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। ऐसा लगा जैसे साक्षात मैडम सर बोल रही हैं। वही जोशीले शब्द, वही देश के लिए जुनून। कमाल कर दिया तुमने उर्मिला मात्रे। उर्मिला मातेव मात्रे क्या रे, झटक जाननी बहुत हल्के में लेती तो मेरे को। रात भर बैठ के मेरे भाषण के वीडियो देखे, फिर जाकर मस्त स्पीच बनाई और चिपका डाली पब्लिक में। लगा तो तीर नहीं तो फटा पनीर। जाइए मैडम सर, झंडा फहराइए। जी हर साल की तरह इस बार भी जाइए और झंडा फहराइए। मैं? अरे हमेशा तो आप ही झंडा लहराती हैं, तो आज भी आपको ही लहराना पड़ेगा। जाइए। जी, हम आप सब से ये कहना चाहते हैं कि आज की स्पीच हमारी होनहार सदाबहार और काबिले तारीफ पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह देंगी। तालियां। तोपा हो गया तुम? हमसे नहीं होता ये सब। अरे होगा होगा, कॉन्फिडेंस से सब कुछ होता है। मेरे को थोड़ी ना आता है कुछ, फिर भी तो करती है मैं। चाचा होगा होगा। तालियां तालियां। चाचा जब हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था तब हमें ऐसा लगता था कि असली ताकत जो होती है वो यहाँ होती है। फिर कोई हमारी जिंदगी में आया और उसने हमें ये एहसास कराया कि असली ताकत यहाँ नहीं, असली ताकत यहाँ होती है। असली ताकत जज्बातों में होती है, आपके विचारों में होती है, आपके भावनाओं में होती है, आपकी सोच में होती है। एक ऐसी सोच जो कुछ भी बदलने में दम रखती है। जैसे हमें शुरू शुरू में बहुत झगड़ा हुआ, विचारों का मतभेद हुआ, फिर हमें समझ में आया कि वो हमारा अहम था। और जब अहंकार के बादल छटे तब हमने देखा कि हम कितने ना समझ और कितने भटके हुए थे। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, जज्बातों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अब हम सिर्फ यहां से सोचते हैं, किसी और के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हम। और सच मानिए, अब जाकर हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। मिशन के चलते हम आपको नहीं बता सकते कि आपकी मैडम सर आपके सामने हैं और उन्हें आप पर कितना नाज है। वो यहीं आसपास है करिश्मा सिंह, आपको छोड़कर कभी गई ही नहीं।
कैसे जा सकती? मतलब इधर ही किधर खड़े होकर सुन रहे होगी ना हसीना वाले तेरा ये स्पीच? आज आप सबने साबित कर दिया है कि देश के लिए अगर कुछ करना चाहो तो उसके लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं, क्योंकि देश का असली जज्बा होता है यहाँ। आज ये सिर्फ हमारी नहीं, हम सब की जीत है, पूरे देश की जीत है। तैयार हो जाओ, बहुत जल्द हम उस तक पहुंचेंगे भी और उसे खींच कर उसके बिल से बाहर भी निकालेंगे। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। देखा, यहां कोई भी तुमसे नहीं डरता। हम तुम्हारी बोलती बंद कर चुके हैं, हिम्मत है तो हमारी बोलती बंद करके दिखाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.